हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे IIM कैलकटा या कोलकाता, कलकत्ता, जिस भी नाम से आप प्रोनाउंस करें, IIM कैलकटा के बारे में। जिस और क्या तो ऑब्वियसली PhD के जो एप्लीकेशंस हैं उसके भी ओपन हैं। लास्ट डेट है 28 जनवरी 28 जनवरी 2021। तो आज हम इसी के बारे में कुछ बेसिक बातें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो और विज़िट करते हैं IIM कोलकाता या कैलकटा की वेबसाइट को। सो ये है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो हमें चाहिए नोटिफिकेशन वो कहाँ पे है। सो स्क्रॉल डाउन ऑब्वियसली हम करेंगे, इसी में आपको अनाउंसमेंट्स में ज़रूर मिलेगा। लेट्स सी अगर डायरेक्टली हो, नहीं है। सो ओके, अनाउंसमेंट्स है, आपको दिख रहा है। अनाउंसमेंट्स को ओपन करेंगे तो ये पेज ओपन होगा जिसमें आपको मिलेगा PhD दैट इज़ डॉक्टरल प्रोग्राम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन 2020 इज़ नाउ ओपन, क्लिक हेयर टू अप्लाई। लास्ट डेट है 28th of January 2021। सो लास्ट डेट इज़ 28th January, 28 जनवरी। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे पहुंचेंगे। इसमें आपको मतलब इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए हुए हैं, क्या क्या प्रोसीजर है अप्लाई करने का, ये सारी चीज़ें हैं। और साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। एप्लीकेशन फ़ी अगेन 1000 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल है और 500 जो भी रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए, बाकी आप पढ़ सकते हैं। सो आपको क्या क्या अपलोड करना होगा, ये है कि कोई भी आपका जो पब्लिश अनपब्लिश वर्क है आपने किया है आपको वो भी पब्लिश करना है, या अगर आप पूरा डॉक्यूमेंट नहीं तो एटलीस्ट एब्स्ट्रैक्ट या समरी अपलोड कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी, आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट क्लास या PG डिप्लोमा हो और साथ में 3 ईयर बैचलर्स डिग्री हो जिसमें 50% मार्क्स से कम ना हो, या अगर आप CA हैं मिनिमम 50% मार्क्स, या फिर CS CA में 55% मार्क्स अलॉन्ग विद BCom, BTech और फोर्ड मतलब इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर है तो आपके पास इतने नंबर होने चाहिए। नॉन इंजीनियरिंग जो कैंडिडेट्स हैं जिन्हें 10+2+5 किया है वो भी कर सकते हैं, एलिजिबल हैं वो। और भी बहुत सारे लोग एलिजिबल हैं, आप देख लीजिए। और मेनली यही थे, और उसके अलावा सारे जो एप्लीकेंट्स हैं उन्हें 50% मार्क्स चाहिए, मतलब जो भी आपने सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी एजुकेशन किया है उसमें आपको 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए। बाकी जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है कि आपको डॉक्यूमेंट 30 जून से पहले सबमिट करना होगा, तो इन केस अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो आप अगर कर पाएँ तभी आप अप्लाई कीजिएगा। 60% ऑफ द सीट्स रिजर्व हैं रिजर्व कैटेगरीज़ के लिए इंक्लूडिंग EWS। तो एडमिशन क्राइटेरिया क्या है आपको दिख रहा है, तो आप एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन देख लीजिए जो कि येस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, और जैसे आपके पास कैट नहीं है तो आप ये जो मतलब कैट क्वालिफाई नहीं है आप, तो ये जो चीज़ें हैं जैसे GMAT है, GRE है, UGC नेट है, तो वो आप तब भी एलिजिबल हैं। सो ठीक है, इसे ध्यान से देखिए। सो टॉकिंग अबाउट, सबसे पहले स्पेशलाइजेशन का एरिया अगर इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स है तो फिर उसमें अगर आप GRF नहीं हैं सिर्फ नेट हैं तब भी आप क्वालिफाई मतलब एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस एंड कंट्रोल की बात करें तो उसमें मेंशन है GMAT, GRE, UGC, JRF, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट। सो अगर आप कॉमर्स से UGC GRF हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, ऐसा इसमें मेंशन है। उसके बाद HRM, अगर आप चाहते हैं एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन आप HRM में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए GRF होना चाहिए, या तो इकोनॉमिक्स या मैनेजमेंट, लॉ, लेबर सोशल वेलफेयर, HRM लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पर्सनल मैनेजमेंट, साइकोलॉजी या सोशोलॉजी। मैनेजमेंट अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम में आप चाहते हैं तो आपको GRF होना चाहिए एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में। मार्केटिंग के लिए आप देख रहे हैं GRF चाहिए साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या मैनेजमेंट में, और GMAT, GRE, GATE भी आपके पास हो सकता है। फिर सिमिलरली अगर आप GRF मैथ्स में हैं तो आपके लिए ऑपरेशन मैनेजमेंट एरिया है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए इतने सारे आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें सर्टिफिकेट्स हैं जो मान्य हैं। सिमिलरली पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट है, रीजनल डेवलपमेंट है, देन सोशोलॉजी है। इसके लिए सिर्फ आपके पास UGC नेट होना चाहिए एंथ्रो में, इकोनॉमिक्स में, पोल साइंस में या सोशोलॉजी में, करेक्ट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है उसमें आप देख सकते हैं आपको GRF होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें मेंशन है यहाँ पे। और ऑब्वियसली जो वैलिडिटी ऑफ स्कोर दैट इज़ की, जैसे आपके पास कैट है या बाकी, इसमें वैसे कैट के अलावा के जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं उसके लिए दिया है कि 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ टेस्ट एंड शुड बी वैलिड ऑन द डेडलाइन ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। मतलब अगर आपके पास जैसे डेट है टेस्ट का, सपोज X है, तो उससे 2 साल पहले तक
वैलिड है, मतलब उससे पुराना है तो फिर वैलिड नहीं माना जाएगा। और ऑल्सो डेडलाइन जो है एप्लीकेशन फॉर्म की, जैसे इस केस में अभी हमने देखा कि आई गेस 28 जनवरी है, तो तब तक आपका जो स्कोर है वो वैलिड रहे, ऐसा ना हो कि 28 तक नहीं 25 को ही ख़त्म हो गया है, वैलिड नहीं है, तो फिर आप नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, अगर बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। सो ये इन्फॉर्मेशन है, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि यू नो UGC नेट वालों को अगर प्रेफरेंस मिल रही है सो इट्स गुड, बिकॉज यूजुअली IIMs IITs में JRF को ही प्रेफरेंस तो मिलती है। सो ये हो गई बातें, आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप इनमें से कुछ भी हैं अप्लाई करना चाहते हैं तो प्रोसीड कर सकते हैं। ऑल्सो आप देख लीजिए, अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप मतलब इंफॉर्मेटेड है तो आप देख सकते हैं। और हाँ, अगर कोई भी ऐसा फीडबैक है आपका, फॉर एग्जांपल अगर कुछ इस वीडियो में भी गलत बोला मैंने, या फिर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट थी बट मैंने मिस कर दी, तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, टाइप कर दीजिएगा। बस यही इन्फॉर्मेशन थी आज के इस वीडियो में, अगर आपको लगा कि हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।